हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ट्विटर फाइनली एलोन मस्क का हो चुका है। 44 बिलियन में इस डील को फाइनल किया गया है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि कितने रुपए एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए किए हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो ना, तो इंटरनेट पे सबसे हॉट टॉपिक बस यही लगा था कि एलोन मस्क कब ट्विटर को खरीदेंगे। पहले एलोन मस्क ने 9% शेयर को परचेज किया था, लेकिन जब उन्हें लगा कि ऐसे बात नहीं बन रही है तो उन्होंने पूरे के पूरे ट्विटर को ही खरीद लिया है। अब जो 44 बिलियन डॉलर की ये जो डील हुई है ना, तो इतने में कुछ देशों की जीडीपी भी नहीं होती है। इतना पैसा खर्च किया है एलोन मस्क ने। अब दुनिया भर से भी इस डील के बारे में जो व्यूज है वो आ रहे हैं। जैसे कि जेफ बेजोस जो अमेजोन के फाउंडर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिड द चाइनीज गवर्नमेंट जस्ट गेन अ बिट ऑफ लेवरेज ओवर द टाउन स्क्वेयर। ये जेफ बेजोस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप देखो तो टेस्ला जो कंपनी है और दुनिया में सबसे अच्छी कार्स बनाती है, तो सबसे ज्यादा कार्स चाइना में ही बिकती है। बहुत सारे इंटरेस्ट एलोन मस्क के चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। एलोन मस्क कह तो रहे हैं कि वो फ्री स्पीच को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो ट्विटर की पॉलिसी थी ना पहले की, वो किसी भी इंसान को ब्लॉक कर देती थी। अब जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट को ही देख लो आप यूएसए के, तो उनके ट्वीट्स बहुत ज्यादा एक तरह से ना चर्चा में रहा करते थे। उनके ट्वीट्स का बहुत मसाला भरते थे वो अपने ट्वीट्स में, तो वो जो चीज थी ट्विटर को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती थी और ट्विटर ने ट्रंप को ब्लॉक कर दिया था ट्विटर से। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या पता ट्विटर पे वापस आ जाए ट्रंप, लेकिन ट्विटर पे ट्रंप ने वापस आने के लिए मना कर दिया है लगभग अभी के लिए, क्योंकि वो अपनी सोशल मीडिया को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेकिन देखना ये है दोस्तों कि जो फ्री स्पीचेस की बात की जा रही है एलोन मस्क के द्वारा, क्या वो इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं। एल्गोरिथम चेंज होने वाला है अब ट्विटर का कुछ दिनों में, आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें बदलने वाली है ट्विटर पे। तो उसी तरह से अगर अब हम बात करें पराग अग्रवाल की, जो ट्विटर के अभी सीईओ हैं, तो अगर उनको निकाला जाता है तो पराग को 42 मिलियन डॉलर पे करने पड़ेंगे एलोन मस्क को। वैसे लग रहा है कि एलोन मस्क बहुत सारे लोगों को ट्विटर से निकालने वाले हैं। खैर, अब फ्यूचर में ये देखना होगा कि ट्विटर किस तरह से काम करता है। पहले ट्विटर एक पब्लिक कंपनी थी, लेकिन जैसे ही एलोन मस्क ने इसे परचेज किया है, अब ये एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस इतना है कि जो पब्लिक कंपनीज होती है उसमें हम सबका शेयर भी होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आप भी कुछ शेयर्स को खरीदते हो। अब जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो स्टॉक मार्केट में नहीं होती है और उसमें सिर्फ एक सिंगल इंसान का ही कंट्रोल होता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस डील से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूल। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।